हेलो एवरीवन, आई एम आकाश पांडे। आज मैं आप लोगों को ऑटो कैड के बारे में बताने जा रहा हूँ और ऑटो कैड का जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन देने के साथ ही साथ कुछ कमांड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपको पता हो तो ये जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारा ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर होता है। किसका सॉफ्टवेयर होता है? ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर होता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोडेस्क कंपनी द्वारा बनाया गया और ये 1982 में ये बनाया गया। जो ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी है, ये अपना यूएसए कैलिफोर्निया में है। एंड जॉन वॉल्कर इसके फाउंडर रहे और जॉन वॉल्कर ही ऑटोकैड के फाउंडर रहे हैं। उन्होंने ऑटोकैड से अपनी स्टार्ट किया था इस कंपनी को। सो जॉन वॉल्कर ने और उनके 20 लोगों की टीम्स थी जिस टीम ने बनाया। और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक सिविल इंजीनियर को आपसे आप पूछोगे आप जानते हो ऑटोकैड, तो बोलेगा यस मैं ऑटोकैड जानता हूँ। क्योंकि बिना ड्राइंग के देखिए सबसे बड़ा यूज क्या है, ड्राइंग के बिना आप किसी चीज़ का एजुकेशन नहीं कर सकते हो। कुछ बनाना है तो पहले हमें कुछ उसका थॉट तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग अपने ऑटोकैड को पढ़ते हैं। और सारा और इसके बारे में डीप डिस्कशन में आपको बताऊँगा, बट इस सीरीज में मैं जस्ट आपको मेरी कोशिश है कि मैं आपको स्टार्ट जहाँ से बिगनिंग लेवल से कहाँ से आपको स्टार्ट करना ऑटोकैड सीखना और कहाँ पे ऑटोकैड खत्म होता है वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा आपको पहुँचा दूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से आप प्लानिंग वगैरह बना सकते हो। जैसे कि मैंने अपने ऑटोकैड को जब खोला तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे पास एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर सारे टूल्स होते हैं। इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं रिबन पैलेट। क्या बोलते हैं? रिबन, RIBBON, रिबन पैलेट। और यहाँ पे हमारा होता है क्विक एक्सेस बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस बार। और इसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू बार। और ये हमारा होता है कमांड बार। क्या होता है? कमांड बार। जब भी हम कोई कमांड डालते हैं तो ये हमें बताता है कि क्या करना है, उस कमांड की फीचर्स क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कमांड। देखिए हम लिखा हुआ टाइप कमांड, इसलिए कमांड बार बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पे हमें स्टेटस शो करेगा कि हमें करना क्या क्या है, करना क्या क्या है। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन, ये हमारा नेविगेशन बार होता है। और इसे आपको पता ही होगा, ये इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल और इसको बोलते हैं विजुअल स्टाइल कंट्रोल, अदरवाइज व्यू कंट्रोल बॉक्स और विजुअल स्टाइल बॉक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये रहा हमारा ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, क्या होता है ऑटोकैड, इसके बारे में लोगों ने पढ़ा। और इसका अगर किसी ने आपसे पूछा है कि इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों एक्यूरेसी। ये बहुत ही एक्यूरेट आपको ड्राइंग प्रोड्यूस करता है। और दूसरी चीज, टाइम सेविंग, बहुत ही ईजी वर्क करता है, इसलिए हम लोग ऑटोकैड को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, तो जब ने ऑटोकैड को ओपन किया तो देखिए यहाँ पे पहला कमांड जो है इसे बोलते हैं लाइन कमांड। यहाँ पर हर एक टूल्स को कमांड बोलेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, और हर एक कमांड की अपनी शॉर्टकट की होगी। और शॉर्टकट की का यूज क्या होता है, ये आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ लोग यहाँ गए होंगे इंटरव्यू वगैरह देने, तो इंटरव्यू जब देने गए होंगे तो वहाँ पर ये पैलेट नहीं मिला होगा, रिबन पैलेट वहाँ पे नहीं मिला होगा। उन लोगों ने क्या किया होगा, उन लोगों ने पैलेट को क्लोज कर दिया होगा। क्लोज कर कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे कमांड आती है RIBBON, रिबन क्लोज। जैसे आप रिबन क्लोज करके एंटर करेंगे, देखिए इस तरह से आएगा। और इंटरव्यू में जब आपको ऐसे दे दिया, अब आपको लाइन कमांड की शॉर्ट की अगर पता है तब तो आप एल लिख के एंटर करेंगे और लाइन कमांड लेके अपने लाइन को स्टार्ट कर देंगे चलाना। बट आपको पता ही नहीं है कि लाइन कमांड की शॉर्ट की भी होती है, तो आप यूज नहीं कर पाओगे। सो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, रिबन को क्लोज ओपन कर लेना चाहिए। ओपन कैसे करना है, RIBBON, रिबन जस्ट क्लिक करके एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे देखिए आपके पास ये तुरंत ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप लाइन कमांड लीजिए और लेके क्लिक कर सकते हैं और अपना डिस्टेंस, सपोज मुझे अभी जो बनाना है 50 mm का लाइन बनाना है, 50 mm बना दिया। ओके, और फिर हमने कहा इस डायरेक्शन में भी हमें 50 चाहिए, इस डायरेक्शन में 50 ले लिया, इस डायरेक्शन में भी 50 चाहिए तो 50 इसको भी ले लिया और फिर इसको मिला दिया। ये रहा हमारा लाइन कमांड। इसके साथ ही इसके जस्ट बगल में होता है पॉली लाइन कमांड। इसकी शॉर्टकट की होती है PL Enter। क्या होती है? PL Enter। जैसे मैंने यहाँ पे 50 किया और 50 करने के बाद इंटर किया, और इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में भी हमने 50 करके एंटर किया, और इस डायरेक्शन में भी हमने 50 करके एंटर और फिर मिला दिया। सी, इसे हमने लाइन कमांड से बनाया और इसे हमने पॉली लाइन कमांड से बनाया। देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। अगर कोई कहता है कि दोनों एक तो बना सकते, दोनों से बना सकते हो, तो देखिए उसके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए इसमें हमारी ये लाइन और ये लाइन, सारी लाइनें हमारी जो है ये सिंगल है, इसलिए सिंगल सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन।
बट इफ यू सी दिस वन दिस वन इफ यू क्लिक एनीवेयर, आप कहीं पे भी क्लिक करते हो, देखिए एक साथ सभी सेलेक्ट होते हैं, दैट मीन सभी के सभी एक है। तो इसको आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के फ्रेंड्स, पॉलीलाइन के फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे कर्सर को रखा, देखिए यहाँ पे थ्री ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज योर स्ट्रेच, आपने जैसे स्ट्रेच किया देखिए इसको चाहिए इतना स्ट्रेच कर सकते हो किसी भी कॉर्नर को। और देखिए दूसरा क्या हमारे पास, एड वर्टेक्स, जैसे एक वर्टेक्स ये हमारा, एक वर्टेक्स ये है, आप चाहते हो और वर्टेक्स ऐड करने के लिए तो आप एड वर्टेक्स करो और यहाँ पे एड वर्टेक्स कर सकते हो। और जैसे ही आपने देखा यहाँ पे फिर से क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू आर्क, कन्वर्ट टू आर्क में भी आप इसको इस तरह से। इसके अलावा पॉलीलाइन के और भी बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं जो मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता, उसके लिए मैं स्पेशली एक पॉलीलाइन पे वीडियो तैयार करूँगा। अभी मेरा लाइन और पॉलीलाइन का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करने के बाद मैं आपको एक वीडियो के अंदर पॉलीलाइन के सारे फीचर्स बताऊँगा। लाइक अगर मैं आपको तो कुछ से देखना, देखिए पॉलीलाइन जब आप क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए इतने फीचर्स आते हैं। इसमें से अगर आपने आर्क पे क्लिक किया तो आर्क के देखिए कितने फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं। इसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे, बट अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन और पॉलीलाइन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और इस तरह से लाइन और पॉलीलाइन था। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से लाइन और पॉलीलाइन के बाद कि अगर कोई हमारे पास ड्राइंग है तो ड्राइंग को कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों लाइक अगर मुझे कोई ड्राइंग्स इसके अंदर ले आनी है, लाइक कोई भी इमेज हमको इंपोर्ट करनी है या कोई पीडीएफ इंपोर्ट करनी है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सरेफ कमांड का यूज़ करना चाहिए। कौन सी कमांड, एक्सरेफ। जस्ट आपको एक्सरेफ क्लिक करना है और क्लिक करके जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे तुरंत क्या दे रहा है कि अटैच करो, क्या आपको अटैच करना है। तो आपने क्या अटैच इमेज, अब देखिए अटैच DWG क्या होता है, .dwg AutoCAD का एक्सटेंशन होता है, जैसे कि टेक्स्ट का .txt, वैसे AutoCAD की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .dwg। अगर लिखा है तो समझ जाइए कि AutoCAD की फाइल है। अटैच इमेज, मैंने क्या किया अटैच इमेज लेने के बाद जस्ट आपने यहाँ क्लिक किया, मैं जो ये ड्राइंग पसंद है इस ड्राइंग को मैं बनाने जा रहा हूँ, ये करिए ओपन करके ओके कर दीजिए इस तरह से। अब इसमें से दो ड्राइंग है, जिसमें से एक ड्राइंग मैं आपको बनाने जा रहा हूँ और दूसरा आप उसी के रेफरेंस से दूसरा बनाइए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है दूसरा बनाने में तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको दूसरा भी बना के दूंगा, ठीक है। तो पहला हमने बनाने की कोशिश किया, तो देखिए पहले हम क्या है, ये 120 है, तो हमने क्या किया जस्ट एंटर किया यहाँ पे हमने 120 एंटर, और आप देखिए ऊपर के डायरेक्शन में कितना गया हुआ है 40 गया हुआ था, हमने जस्ट यहाँ पर 40 करके एंटर किया। और इसके बाद हम लोग गए 20 पे, 20 लेके एंटर किया, फिर गए 32 पे, 32 करके एंटर किया, फिर इधर की ओर गया 20, फिर हाइट गया हमारा 48। अगर आप इस इमेज को लाइक आपको ये इमेज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हो, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इस इमेज को आप वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक उसको देख के आप इमेज को बना सकते हो उस पर ड्राइंग्स। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ को फॉलो करना हो, वीडियोज़ को फॉलो करके आप पूरा का पूरा सीख जाओगे। ये डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा इस तरह से वीडियो तैयार करने की सीरीज, लाइक ये फर्स्ट क्लास रहेगी, इसके बाद हम लोग सेकेंड फिर थर्ड इस तरह से क्लासेस तैयार करेंगे। देखिए हमारे सामने ये इमेज तुरंत बन के तैयार आ गया, ठीक है। अब दूसरा आप कोशिश करिए, अगर आपसे नहीं बनता तो आप हमें कमेंट करिए, और अच्छा होगा कि आप हमें लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ढेर सारे सिविल इंजीनियरिंग के सारे सॉफ्टवेयर्स पे एक एक वीडियो ले आके आपको दे सकूँ। और इसी तरह से देखते रहिए, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया रैबिट एस्टिमेशन के वीडियो पर, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। और अभी मैं कोशिश करूंगा इसके सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सर्किल कमांड्स और कुछ इंपॉर्टेंट कमांड को डिस्कस करने वाले हैं और उस पर ड्राइंग बनाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो मैं कोशिश करूंगा नए नए वीडियोज़ लाने की। थैंक यू।